बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही करारा मज़ेदार पास्ता और चिकन की रेसिपी बताऊंगी। तो चले आप वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। आसान और मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाए ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको चिकन पास्ता जो बनाते हैं बड़े मज़े का बनता है, बड़ा टेस्टी बनता है। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह बना रही हूँ। ये मैंने आधा किलो चिकन को मसाला लगाया हुआ था, लहसुन अदरक तिरका और सोया सॉस, दो नमक मिर्च हल्दी। मैंने करारा बनाना है, मैंने चाइनीज करारा नहीं बनाना, मैंने करारा बनाना। एक पैकेट मैंने खोल, चलिए जो सा मर्जी आप ले लो, बड़े वाला ले लो, जो आपको चाहिएगा आप ले लो, मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये केचप है, साथ में ये प्याज है, साथ में ये बंद गोभी है, ये मटर है, गाजर है, कैनिस और रेड वाली, ये है वो क्या शिमला मिर्च है, ऑयल है, तिक्का और सोया सॉस। जो हमने चिकन को पहले ही मसाला लगा के रखा हुआ था, लहसुन अदरक नमक मिर्ची हल्दी सब कुछ लगा के अब मैं चूल्हा ऑन कर दी। अब मैंने ये पानी ऊपर रखा हुआ है देगची के अंदर, तो इसको मैंने बॉयल करना है। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ ऑयल, इसके अंदर ऑयल डाल रही मैं, दो चम्मच ऑयल चला गया, ठीक है। अब मैंने नमक ऐड करना है, नमक ऐड करती हूँ, अब मैं नमक ऐड करती हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड किया, ज़्यादा नहीं, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि मसाले में भी नमक है, अपने टेस्ट के हिसाब से, ब्रेड बेचे रहते इसलिए। अब मैंने चूल्हा ऑन किया होगा, मैंने चूल्हा ऑन किया हुआ है। अब ये चिकन को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था, तो ये मैं ऐड करने लगी, चिकन को मसाला लगा के मैंने रखा हुआ था, ये ऐड कर दिया। आप इसको फ्राई करके, इसके अंदर मैंने सारा मसाला लगाया, अदरक लहसुन नमक मिर्च हल्दी और वो काली मिर्च तीखा सोया सॉस, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की ही है, तो ऑयल भी इसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ था ऑयल भी। अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ, ये दो तीन सेक लगते हैं, तो भी मैं आपसे पाँच मिनट हो गया मैंने इसको कवर किया हुआ था। देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह खुशबू देखिए कितनी प्यारी आ रही है। देखिए कितनी प्यारी आ रही, कलर भी देखिए कितना अच्छा आया। लहसुन अदरक घी ऑयल मैंने डाल के रखा हुआ था, इसको गरम मसाला काली मिर्च सूखा धनिया जीरा साबुत ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करके, तो मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो चलिए अब मैंने इसको भी पास्ते के लिए पानी रखा हुआ था, अभी पानी को बॉयल नहीं आया, ये उबाइल आता है फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चिकन हमारा देखिए खुशबू आ रही है माशाल्लाह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, लेकिन जैसे चिकन रोस्ट में आ रही है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गाजर, इसके अंदर गाजर जो मटर बाद में पहले गाजर ऐड करती थी, मैंने गाजर ऐड कर दी है, अब इसके अंदर मटर ऐड करने लगी, मटर ऐड करने लगी, एक प्याली मटर थी और एक प्याली गाजर थी और एक प्याली शिमला मिर्च और एक प्याली बंद गोभी, ठीक है। तो मैंने मटर भी ऐड करती है, गाजर भी ऐड करती है, साथ में मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर देती हूँ, शिमला मिर्च भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। शिमला मिर्च चलेगी, बंद गोभी अभी मैंने नहीं ऐड किया, साथ में प्याज ऐड करी, एक छोटा सा प्याज ज़्यादा नहीं, छोटा सा प्याज बस,
ये मैं करारा बना रही हूँ, करारा। चिकन चला गया, गाजर चली गई, मटर चले गए, प्याज चला गया, शिमला मिर्च, बंद गोभी अभी मैंने नहीं ऐड की। तो अब मैं इसको कर देती हूँ बंद, बंद करती चूल्हा। तो मैं पास्ते को देती हूँ, अब ये बॉयल होता है पानी, तो इसके अंदर मैं ये पास्ता ऐड करती हूँ। तो ये जब बॉयल हो जाता है फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है, ठीक है। पानी अभी पानी अभी गर्म ही हुआ, बॉयल आता है, वेट कर रही 5 मिनट के बाद, ठीक है। इसको मैंने बंद करके, चूल्हा बंद कर दिया है, मैं बस ये वेट कर रही हूँ इसका। ये पानी को बॉयल आ गया है, ये देखिए अब इसके अंदर पास्ता जा रहा है। ये एक पैकेट था, ये पूरा एक पैकेट था, ठीक है। अब जब मैं इसको बॉयल कर रही हूँ, अब इसको उबाला आता है तो फिर मैं आपसे चमचा, ये मैं इसको मिला रही हूँ। जो आपका दिल चाहता है करारा बनाए, चाइनीज बनाए, आपकी मर्जी है, मैं करारा बना रही हूँ क्योंकि बट है, बट करारे खाते हैं। तो चले आप इसको मैंने हिला दिया चम्मच से, आप इसको बॉयल आता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। 5 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ, मैं चूल्हा बंद किया हुआ था, चूल्हा ऑन कर रही थी इसके लिए, बस ये हो गया थोड़ा सा, बस 2 मिनट के लिए और होना है इसके साथ। कवर कर रही हूँ, चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है, ये देखिए। अब फिर बता दूँ, चिकन को मैंने लहसुन अदरक नमक मिर्च हल्दी चाट मसाला काली मिर्च सूखा धनिया जीरा सब कुछ लगा के इसको मैंने चूल्हे पे ऑयल डाल के चूल्हे पे पका लिया। इसमें चली गई गाजर एक प्याली चली गई, ये एक प्याली मटर चले गए, एक प्याली शिमला मिर्च चलेगी, और उसके बाद हरा प्याज आधा डाला है और आधा ये भरा हुआ है, और बंद गोभी ये है। अब इसके अंदर ये हरा प्याज है, बंद गोभी है, आधी हरा प्याज चली गई है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सिरका ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने करारा बनाना है। 1 चम्मच, पहले भी मैंने 1 चम्मच डाला था, अब दोबारा 1 चम्मच डाल दिया, ठीक है। सोया सॉस डाली इसके अंदर, पहले भी मैंने 1 चम्मच डाली थी यही, अब ये दूसरी चम्मच ऐड कर, दूसरी चम्मच ऐड की, ठीक है। अब इसके बाद मैं केचप ऐड कर रही हूँ, केचप कोई भी ले ले आप दूसरी, चलिए ठीक है। अब इसके बाद मैं जिसको देख लूँ पास्ता को, ये मेरा पास्ता लगता हो क्या रहेगी, अब मैं चूल्हा इसका बंद करने लगी, हम इसका चूल्हा बंद करने लगी, ये देखिए कि मेरा हो गया तैयार। अब इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, कैचअप सोया तो तिलका डाल दिया, अब मैंने इसके अंदर पास्ता जो मैंने बॉयल किया था वो ऐड कर रही हूँ। बड़े ही मज़े का, बड़े ही टेस्टी बनता है, आप भी अपने बच्चों को खिलाएं। मैंने ठंडे पानी में कोई ऐड नहीं किया, मैंने साथ ही चिकन के अंदर इसको ऐड कर दिया, साथ में ये बंद गोभी ऐड कर दी, बंद गोभी चली गई, थोड़ा सा हरा प्याज चला, ठीक है। अब इसको मैं मिक्स कर रही, मेरा पास्ता तैयार हो गया, माशाल्लाह खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, मैं क्या बताऊँ। ये 5-10 मिनट के अंदर जो तैयार हो गया, खुशबू बहुत प्यारी आ रही। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दी, बस सब 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दी, 5 मिनट के बाद आपसे मिलती है। ये मैं थोड़ी सी मैगी जो डालती है इसके अंदर, इससे क्या होगा टेस्ट पर अच्छा आएगा, जो मैगी डाल दी,
कम या ज्यादा आपकी मर्जी है, ठीक है। केचप छिड़का सोया सॉस जो आपका डिजाइन के अंदर ऐड करें। अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए वो कवर कर, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद आपसे मिलते। तो कर देते बंद, 5 मिनट हो गए माशाल्लाह। देखिए कितनी सारी खुशबू आ रही है, देखिए अब आपके सामने ही है। मैं डिश के अंदर डाल रही प्लेट के अंदर, ये देखिए ये प्लेट के अंदर डाल रही हूँ। गर्म बहुत है, कहाँ चला के चले, ये मेरा इतनी खुशबू इतने मज़े का ना कि क्या बताऊँ। बड़े छोटे सारे खाए मेरे तो बच्चे माशाल्लाह बड़े चौक से खाते हैं। चले चिकन ऐड कर दो, अब इसके ऊपर हरा प्याज और ऐड कर लो। हरा प्याज, हरे प्याज की तो बड़ी खुशबू आई, मैंने अपने घर में लगाया हुआ है हरा प्याज, जब दिल चाहे निकाल लेती हूँ। तो चले मेरा पास्ता तैयार माशाल्लाह। चलिए हमारा पास्ता रेडी हो गया। ये कहते हो माइल्स सोया सॉस टिक्का जिसे जो कुछ डाल लें, लेकिन मैंने इसके अंदर पहले ही ऐड कर दिया। तो चलिए अब बुशा बैठ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।